हाय एवरीवन, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं मेरा लुक कैसा है, तो मैं आपको बता दूं, आज हम जा रहे हैं बोलबम और यहां से वापसी सिलवासा से। तुम्हारा भाई जा रहा है बोलबम, आज है संडे और कल है सोमवार। कल मैं जल ढारूंगा और मेरे प्यारे भैया अक्षय जी यहां पर पूजा कर रहे हैं। देखिए यहां पर भगवान जी का हमारे यहां पर फोटो है, अभी पूजा कर कर घर से निकलने वाले हैं और यहां से। तो आप वीडियो में बने रहिए ब्लॉग में, तो हर हर महादेव, घर घर बोलबम बोलबम। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए और दिखाते हैं अब हम लोग पूजा करने वाले। भैया यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, देख लीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महाकाल महाकाल। और हम भैया ने आरती दिखा दिया और हम दिखा रहे हैं, और आप मेरे को सपोर्ट कीजिए और आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। आपके मम्मी पापा हमेशा खुश रहे, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा गाई। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा इस। अभी हम गायत्री मंदिर में आ गए हैं, यहाँ से जल ढार कर अभी निकलेंगे रैली में। तो देखिए यहाँ पर दुकान पर भैया चुनरी खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो आपने ब्लॉक देखा था वो गायत्री मंदिर का, अभी यहीं पर हम हैं। अभी जल अभी यहाँ पर ढारने वाले हैं, तो चलिए ब्लॉक में सुमारी, पहली सुमारी को यहीं पर मैंने ब्लॉक इसी मंदिर का डाला है। जय हो नंदी बाबा, जय हो कछु भगवान। यहाँ पर भोले बाबा रहते हैं, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए उस दिन बहुत भीड़ था और भैया अभी गोल लग रहे हैं बाबा का, और वहाँ पर देख लीजिए माँ है। तो भाई अभी हम भोले बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप भी मान लीजिए। आपके मम्मी पापा हमेशा खुश रहे, हमारे और अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, देख लीजिए पिकअप में। यहाँ पर भैया यहाँ पर बैठ चुके हैं, इसका भी हम यहाँ पर देख लीजिए। बहुत संख्या में आदमी यहाँ पर बोल बम आ रहे हैं, बोल बम, बोल बम भाई, बोल बम यहाँ पर देख लीजिए, बोल बम भाई भाई यहाँ पर बहुत संख्या में देख लीजिए। यहाँ कवारियों का भी और ब्लॉक में बने रही है, बोल बम देखिए। अभी यहाँ पर देखिए पिकअप में लोग सारे पैदल आ रहे हैं, बोल बम देख सकते हैं आप, देखिए बोल बम। पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ी देर पैदल जाकर मंदिर आएगा और आपसे भेटाते हैं। और ये मनोज भाई हैं और ये रवि भैया, और वो उनको वीडियो में आपने देखा ही है। अपना नाम बताइए तो थोड़ा। प्रिंस गुप्ता। हाँ प्रिंस नाम है, मैं नाम भूल गया, और मेरे भैया। और यहीं से जाने वाले हैं और पैदल जाएंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए ब्लॉक में। पास आ गए, देख लीजिए वहाँ पर मंदिर है। हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं, अभी रात हो गया है, रात को 12 बजे जल उठेगा। मंदिर एकदम पास में है, आपको मैं दिखा देता हूँ। Thank you.
यहाँ पर देखिए, और मैं आपको यहाँ पर देखिए खाली भाई यार, यहाँ फटाफट आके खाना खा लिया जाओ। इनको देख लीजिए, हाँ ये बहुत फराड आदमी है, फराड है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर पूजा करने वाले हैं, भैया पूजा कर रहे हैं। और देखिए ये देवी माँ का मंदिर है, आप देख लीजिए मंदिर, माँ का है, माँ दुर्गा का मंदिर है यहाँ पर। दोनों आदमी ने पूजा कर लिया है, और देख लीजिए कितनी संख्या में भीड़ है यहाँ पर, माँ दुर्गा का मंदिर है, और देख लीजिए आप कितनी संख्या में भीड़ है। यहाँ पर सिक्का चिपकाया जाता है, और सब कोई अपना अपना लक आजमाया जाता है। और देखिए ये भी चिपका रहे हैं सिक्का, देखिए इनके उंगली में है, और इनका लक नहीं सही नहीं है, ये फ्रॉड सही नहीं है। देखिए हम यहाँ पर आए तो सबको ही अपना मनोकामना जो हो होता है वो पूरा करने के लिए यहाँ पर चिपकाया जाता है, जिसके चलते वो ठीक है। नहीं तो हमारे भैया लोग हैं जो सिक्का यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे हैं चिपकाने के लिए, किसी एक का ही सिक्का चिपकता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, हाँ दीपक आराम से चिपका भाई। अभी हम यहाँ पर पूजा करने वाले हैं, भैया आ गए हैं, उस मंदिर में पूजा हो गया है, अब इस मंदिर में पूजा करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए भैया भैया हम लोगों ने खाना खा लिया है, और सारे बम भाई लोग खाना खा रहे हैं, कांवरिया भाई लोग, और यहाँ पर भैया ने खाना खा लिया है। सभी हम यहाँ पर बैठे हैं, सब आदमी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सब आदमी बैठे हैं, भोजन कर। तो गाइस यहाँ पर जल चढ़ा लिए हैं, और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं दूसरे ठाई, क्या मंदिर का क्या नाम है, रामेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे, और ये दोनों जल चढ़ेगा। देख लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इसमें से थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा दिए हैं, और यहाँ तो गाइस अभी बज रहा है 1:30, यहाँ पर देख लीजिए सब प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर देखिए सारे प्रसादों की दुकान, अभी दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए यहाँ पर सारे लोग प्रसाद की दुकान है यहाँ पे। रास्ता कैसे है, कैसे कैसे जा रहे हैं बाबा के घर, और यहाँ पर देखिए प्रियांशु और भैया आगे आगे चल रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर बहुत जंगल एरिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पर पीछे बाबा का मंदिर है, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जंगल एरिया है, आपको पीछे दिख रहा होगा वीडियो में, देख लीजिए इधर बाबा का मंदिर है, और आपको दिखाता हूँ अभी बढ़ते चलते हुए प्रियांशु का भी हालत बिगड़ गया है, चलते चलते सभी बाहर, अभी यहाँ पर लाइन लगेगा, अभी बाहर भी दुकान था अंदर भी दुकान है, देख लीजिए आपको मैं दिखा देता हूँ दुकान, देख लीजिए अभी गाइस हम बाबा के द्वार पे बस आ गए हैं मंदिर के अंदर में, यहाँ पर देख लीजिए अंदर भी दुकान है, और आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए बाबा के द्वार में आ गए हैं, देखिए मंदिर है, मंदिर में एकदम लाइन लगा है, थोड़ा आपको जूम कर दिखाते हैं वीडियो में, देख लीजिए आपको लाइन दिख रहा होगा अब अच्छी तरह से। भैया यहाँ पर फूल बेलपत्र खरीद रहे हैं, देख लीजिए खरीद लिया है, आप देख लीजिए भैया ने, हाँ देख लीजिए पूरा अंदर भी दुकान है, कितने अच्छे से फूल को सजाया गया है, देख लीजिए कितना, ये मंदिर है आगे का फ्रंट है।
इस भैया ने ले लिया है और देखिए पिरांचू ले ले पिरांचू भी ले लिया है प्रसाद और यहाँ पर लाइन लगाकर जल ढारने वाले हैं। बोलबम गाइस अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं बाबा का गोल लागले चरण छुकर अभी देख लीजिए कितना लाइन है आपको दिखाता हूँ देखिए कितना बड़ा लाइन लगा है देख सकते हैं लाइन में लगे हैं देख लीजिए आप कितना लाइन है और प्रियांशु भैया सब लाइन में लग चुके हैं और बोल बम महादेव महादेव बम बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम गाइस हमने जल ढार लिया है बहुत और देखिए भैया और प्रियांशु भी जल ढार लिए हैं अब हम जा रहे हैं घर यहाँ पर और हम जा रहे हैं घर यहाँ पर। हाँ देखिए प्रियांशु जल ढार दिया क्या हुआ प्रियांशु गिट्टी गिर गया है प्रियांशु के गोड़ में और बहुत ज्यादा पैर भी दर्द कर रहा है उतनी दूर से दो बार दो मंदिर में गए हैं उतनी दूर चलकर उधर से भी चलकर आए हैं हालत बिगड़ गया है। घास में ना चल के